સુરત જિલ્લાના માંગડો તાલુકાના કિન ખાતે આવેલ સદવિદ્યા સંકુલ અને ગ્લોરી પબ્લિક સ્કૂલ તેમજ નવા પાલોદની શાળામાં 75મા સ્વતંત્ર પર્વની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી। આ નિમિત્તે વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તિરંગાને સલામીની સાથે સાથે દેશભક્તિના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યા હતા। કાર્યક્રમમાં ભાજપના લઘુમતી મોરચાના અગ્રણી સાકીરભાઈ પટેલ સહિતના મહાનુભાવ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। और कोई भी जात या यूपी बिहार गुजरात चाहे केरला हो कश्मीर हो किसी ने भी ये नहीं देखा कि मैं कहाँ से हूँ। सब ने कंधे से कंधा मिलाकर एकजुट होके सिर्फ यही लड़ाई की कि भाई हमें देश की आज़ादी चाहिए और वो लड़ाई थी सिर्फ आज़ादी के लिए। आज हम कहीं भी रहते हैं खुली हवा में सांस लेते हैं, हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई यूपी से आके यहाँ ले रहा है, मैं कहीं ले रहा हूँ, कोई भी हम अपना बिजनेस करते हैं, हम अपनी सोच के मुताबिक जीते हैं या मेरे स्टूडेंट बच्चे। आप कोई भी लाइन से डॉक्टर या इंजीनियर या शिक्षक या पुलिस मामलेदार कलेक्टर कुछ भी सोच रहे और आप बन रहे और बनोगे वो इसका मतलब है आज़ादी। हमारी आज़ादी थी तो ही हम सब कर सकते हैं, वरना अंग्रेजों ने जो हम पे राज किया हम आज भी जिंदगी उनके मुताबिक ही जीते। अगर हमारे शहीद वीर जवानों ने शहादत नहीं दी होती तो आज हम यहाँ नहीं होते। बात हुई कि पिछले 2 साल से सभी स्कूल ऑफलाइन है, ऑनलाइन चल रही है। ऑनलाइन की क्या परिस्थिति है साकिर भाई ने अपने बच्चे का बताया, वैसे ही सभी पेरेंट्स का वही हालत है। कम से कम कक्षा 1 से 5 के बच्चे घर पे कुछ नहीं पढ़ पाते, लेकिन सरकार का SOP का पालन करना ये भी हमारा सबका फर्ज है। तो आशा रखते हैं कि अब बहुत टूक समय में 6 से 8 कक्षा चालू होने वाली है, ऐसी सरकार अभी बातें कर रही है, उम्मीद है। उसके साथ साथ आज ये 2 साल के बाद एक छोटा सा कार्यक्रम करने का जो मौका मिला है, तो साकिर भाई हमने एक कोविड की परिस्थिति में जो वैसे ही हमारी स्कूल पहले से ही फी में तो राहत देती ही है, लेकिन कोविड में जो कोई व्यक्ति को मेडिकल या आर्थिक परिस्थिति बहुत नाजुक हो गई है तो पर्सनली हमें आके मिले और हम उनको पता लगा के 0% तक फीस कर सकते हैं।